अकोला के हरिहरपेट इलाके में आज शाम फिर से दो गुटों में विवाद हुआ है। इस विवाद के दौरान एक विशेष समुदाय के एक या दो लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। इसी हरिहरपेट इलाके में 7 अक्टूबर को भी बड़ा हंगामा हुआ था। आज फिर से शाम करीब 4:30 बजे के आसपास मामूली विवाद हुआ है। इसी विवाद में पूर्व नगर सेवक हाजी मोहम्मद जबीर के साथ मारपीट की गई है, जिससे मामला बढ़ता चला गया। इस हंगामे की जानकारी मिलते ही अकोला की स्थानीय पुलिस और दंगा नियंत्रण दल मौके पर पहुंच गए। विवाद की चर्चा फैलते ही एक गुट का जमावड़ा भी बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आया, जिसे पुलिस ने तितर बितर कर दिया। आज अकोला पुलिस की तत्परता के चलते एक बड़ा हादसा टल गया है। वर्तमान में घटनास्थल पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, दंगा नियंत्रण दल और RCMP की टीम तैनात है। 7 अक्टूबर के हंगामे में अब तक 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस प्रशासन ने लोगों से किसी भी अफवाह पर विश्वास न करने की अपील की है। अकोला शहरातील दोन्ही शहर पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये किल्ला चौक येथे एक पहलवान हजलू पहलवान यांच्या दात असताना त्यांना कोणी इसमांनी अडवून त्यांना मारहाण करण्याचा प्रयत्न केला आहे। त्याबद्दल त्यांनी दोन्ही शहर पोलीस स्टेशन येथे फिर्याद दिलेली आहे आणि त्या फिर्यादीवरून गुन्हा दाखल करण्याची प्रोसिजर चालू आहे। अकोला शहरवासियांना पोलीस दलातर्फे प्रशासनातर्फे शांतता राखण्याचं, अफवांवरती विश्वास न ठेवण्याचं आवाहन करण्यात येत आहे। पोलीस प्रशासन आणि इतर प्रशासनाचे अंग सर्वजण या मेहनतीने काम करत आहेत, तर सर्वांनी सर्व नागरिकांनी पोलीस प्रशासनाला सहकार्य करावं। अजून फिर्याद दाखल व्हायची आहे, त्यानंतर कारवाई होणे सुरू आहे आणि ज्यांचे नाव संशयित आहेत त्यांच्यावरती वॉच आहे, पोलीस त्यांचं ताब्यात घेतील। ब्युरो रिपोर्ट, NBC News।